bismillah ar-rahmanir-rahim assalamu alaikum today we are discussing chapter number 63 of rook's dermatology 9th edition which is nutritional disorder affecting the skin this chapter comprises of three sections the first section include malnutrition which tells us about protein energy malnutrition the second section include vitamins and the third minerals we will be covering malnutrition and fat soluble vitamins today so, I will start my lecture with the definition of nutrition. What is nutrition? Nutrition is a dynamic process which helps in development and growth of any living being. And a balanced diet, nutrition is equal to balanced diet. And a balanced diet should include sufficient quantity of carbohydrate, fats and lipid, fats and protein. If ki any diet... सफिशियंट क्वान्टिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट फैट या प्रोटीन इन तीनों में से कोई भी एक चीज कम होगी तो इसकी सिस्टेमिक और क्यूटेनियस मैनिफेस्टेशन um, आएंगे सो मेल न्यूट्रिशन मैल न्यूट्रिशन इज डिफाइंड एज इम्बेलेंस बिटवीन द इनटेक ऑफ नेसेसरी न्यूट्रंस एंड फिजियोलॉजिकल नीड्स एंड सफिशेंटली प्रोलॉन्ड इम्बेलेंसेज रिजल्ट इन डी रेंजमेंट ऑफ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस सो बेसिकली मेल न्यूट्रिशन इम्बेलेंस है बिटवीन इनटेक ऑफ नेसेसरी न्यूट्रंस और फिजियोलॉजिकल नीड का जबकि इम्बेलेंस प्रोलॉन्ग हो जाएगा ड्यूरेशन इसकी सीड हो जाएगी तो हमारे पास स्टेमिक और क्यूटेनियस मैनिफेस्टेशन तो प्रोटीन एनर्जी मेल्यूट्रीशन डिस्क्राइब ग्रुप ऑफ कंडीशन करेक्टराइज बाई इम बिटवीन प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट इनटेक एंड फिजियोलॉजिकल नीड लीडिंग टू करेक्टरिस्टिक यूटेनियस एंड सिस्टेमिक चेंजेस इसके दो फिनोटाइप है कवाशुर कोर एंड मनासमस कवाशुर में प्रोटीन इनटेक कम है कैलरिक इंटेक सफिशियंट है इसका मतलब कि कोई भी जो इंफेंट्स हैं वो जब उनकी विनिंग स्टार्ट होती है तो वो मिल्क टू ऐसे प्रोडक्ट पे उनकी विनिंग हो जाती है जो कार्बोहाइड्रेट रिच होते हैं लेकिन प्रोटीन पुअर होते हैं तो इस वजह से कवाशुर, कोर होता है। कवाशुर कोर का मेन फीचर हाइपोप्रोटीनिया है लीड्स टू एडिमा तो कवाशुर कोर में जो में फीचर है, वो एडिमा है और स्टंटिंग या वेस्टिंग जो है वो कवाशुर कोर में इतनी नहीं होती जबकि मरासमस मरासमस में कैलोरिक इंटेक कम है प्रोटीन इंटेक कार्बोहाइड्रेट इंटेक एंड लिपिड इंटेक तीनों माइक्रोन्यूट्रंट की इंटेक कम होगी जिस के रिजल्ट में आपके पास स्टंटिंग भी होगी और वेस्टिंग भी होगी स्टंटिंग की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है डिक्रीज हाइट फॉर एज सिंस हाइट हाइटन इज ऑफन अ लेटर इंडिकेटर ऑफ अंडर न्यूट्रिशन दिस इज ऑफन एसोसिएटेड एज अ फीचर ऑफ क्रोनिक मेल न्यूट्रिशन क्रोनिक मेल्यूट्रिशन क्या है जिसकी ड्यूरेशन मोर देन थ्री मंथ होती है तो स्टंटिंग क्रोनिक मेल्यूट्रिशन में आती है क्योंकि हाइट बाद में डिक्रीज होगी सबसे पहले

मरासमस का वेट लेस देन सिक्सटी परसेंट ऑफ स्टैंडर्ड वेट होता है फॉर द सेम हाइट एंड एज जबकि कवाशुर में रिडक्शन होती है तो जिस uh, आपके पास जो इन्फेंट आपके पास आएगा जिसका वेट लेस देन सिक्सटी परसेंट होगा लेकिन वो एडिमा के साथ प्रेजेंट करेगा तो वो इस वेरियंट में फिट uh, होगा मरास में कवाशुर में इसके अलावा ये डेफिनेशन है माइक्रो की जिसमें कार्बोहाइड्रेट फैट एंड प्रोटीन को हम माइक्रोन्यूट्रेंट कहते हैं मेल न्यूट्रिशन इम्बेलेंस बिटवीन न्यूट्रिशनल इंटेक एंड फिजियोलॉजिकल नीड है फिर एक्यूट मेल न्यूट्रिशन की ड्यूरेशन थ्री मंथ से कम है और कोरोने की थ्री मंथ से ज्यादा है फिर ये सारी वही चीजें हैं आगे प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन इंडिकेट आर स्टेट ऑफ अंडर न्यूट्रिशन दैट इज कॉस्ड बाई इम्बेलेंस बिटवीन डेफिशेंट इनटेक ऑफ प्रोटीन एंड इन रिलेशन टू कार्बोहाइड्रेट फैट एंड फिजोलॉजिकल नीड्स और क्लासिकल फिनोटाइप इसके वही दो हैं कवाशद आगे भी यही बात डिस्कस हुई है तो कवाशर को रेफर टू डिजीज स्टेट दैट अराइज फ्रॉम द प्रोलॉन्ग डिस्प्रोपोर्शनेट इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन एक्सेस ऑफ अधर मैक्रोन्यूट्रंट कार्बोहाइड्रेट की इनटेक ज्यादा है और अधर न्यूट्रिएंट स्पेसिफिकली प्रोटीन उसकी इनटेक कम है जिसकी वजह से बॉडी की प्रोटीन uh, कम होगी और बॉडी में सारी प्रोटीन्स कम होंगी जिसमें इंसुलिन है वो कम होगी तो प्रोटीजेनेसिस uh, और भी नहीं होगी बाकी सारी प्रोटीन भी कम होंगी जिसमें इम्यूनोग्लोबुलिन कम होंगे तो ये वाले जो बच्चे होते हैं इनमें इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं और मरासमस बाई कंट्रास्ट रेफर टू डिजीज़ स्टेट रिजल्टिंग कार्बोहाइड प्रोटीन एंड फैट एंड्रेट हाइपोप्रोटीनिमिया और एडिमा क्योंकि इनमें प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और लिपिड तीनों की इंटेक uh, कम है तो ये हाइपोप्रोटिनिमिया एडिमा के साथ प्रेजेंट नहीं करते क्योंकि इसमें बॉडी अपने आप को एडेप्ट कर लेती है वो कम इनटेक के uh, मुताबिक

जेड स्कोरिंग जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन बिलो स्टैंडर ग्रोथ पैरामीटर होते हैं जिसको आप वेट फॉर एज के लिए भी हाइट फॉर एज के लिए भी और बी के लिए भी निकाल सकते हैं ये स्पेसिफाइड स्कोर हैं जो कि पहले से नेशनल सेंटर ऑफ हेल्थ स्टेटिस्टिक ने निकाले हुए हैं तो इधर डेफिनेशन है पीडियाट्रिक मेल न्यूट्रिशन की कि वो मेल न्यूट्रिशन को डिवाइड कर रहे हैं मॉडरेट में मेल न्यूट्रिशन को डिवाइड कर रहे हैं मॉडरेट में सिवियर में सोटेटिव बिलो द मीडियम एज में so मेल न्यूट्रिशन सबसे ज्यादा कॉमन है मॉडरेट मेलन्यविंग जी स्कोर फॉर वेट फॉर हाइट बिटवीन माइनस थ्री टू माइनस टू एंड सिवियर मेल न्यूट्रीशन नोटेड वेन द वेट फॉर हाइट जी स्कोर वर लेस देन माइनस थ्री

इस बच्चे को तो मेल न्यूट्रिशन को हम एक और बेसिस पे भी क्लासिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू इटियोलॉजी इटियोलॉजी की बुनियाद पे सबसे पहले इसकी वो है कि डिक्रीज इनटेक मेल न्यूट्रिशन ड्यू टू आर डिक्रीज न्यूट्रन इनटेक स्टारवेशन दूसरा है मेल न्यूट्रिशन रिजल्टिंग फ्रॉम एक्यूट स्ट्रेस इन्फेक्शन डिजीज या ट्रॉमा जिसमें आपकी मेटाबॉलिक डिमांड बढ़ जाएगी और उतना नहीं है जो वो मेटाबॉलिक और मेल न्यूट्रीशन से भी जो मेटाबोलिक uh, डिमांड है वो बढ़ जाती है और इतनी इनटेक नहीं होती जो उसको डिमांड उस के बराबर हो सो एक मेल न्यूट्रिशन ड्यू टू डिक्रीज इनटेक ये तीन इसकी

उसके बाद एज इसकी सबसे ज्यादा कॉमन अंडर फाइव ईयर है लेकिन मेल्यूट्रीशनलीस्पिटलाइज well बच्चों में हम इसको जी स्कोरिंग की बुनियाद पर क्लासीफाई करते हैं और एडल्ट में हम इसको बी एम आई के हिसाब से क्लासीफाई करेंगे बाकी जेंडर डिफरेंस ये है कि कल्चरल डिफरेंस है कि प्रेफर किया जाता है बॉयज को फॉर uh, फूड जो कि फिर गर्ल्स उनके अंडर नरिश रह जाती हैं जिन रीजन रीजनल और कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से एसोसिएटेड डिजीज में प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन एक माइक्रो न्यूट्रन डिफिशियंसी डिसऑर्डर है माइक्रो न्यूट्रंट मतलब फैट कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन डेफिशंसी है लेकिन जब इनटेक ही कम होगा तो हमारे पास माइक्रो न्यूट्रिन डेफिशियंसी जैसे जिंक सिलीनियम कॉपर एस्कॉर्बिक एसिड बायोटिन आयरन फॉलेट और बाकी सारे वाइटाम्स एंड मिनरल्स की डिफिशियंसी हो सकती है पैथोफिजियोलॉजी का वाशु कोर की आ, इस तरह है कि जो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट है और प्रोटीन नहीं है एक्सेस कार्बोहाइड्रेट इनटेक विदाउट सिग्निफिकेंट प्रोटीन excess carbohydrate intake without significant protein intake suppress insulin production insulin is a protein to jab hamari body protein synthesize hi nahi kar rahi uske paas amino acids hi nahi hai banane ke liye to insulin nahi banegi to inhibition of protein synthesis aur further ho jayega kyunki insulin bhi proteogenesis karti hai इसके अलावा आपके पास जब hypoproteinemia होगा तो ये patients edema के साथ present करेंगे और fatty infiltration of liver के साथ present करेंगे क्योंकि liver से जो uh, uh, liver से जो lipid रिलीज uh, होता है वो लाइपोप्रोटीन के साथ अटैच लिपिड होता है तो लाइपोप्रोटीन्स भी हमारे पास नहीं है तो लिवर में अकूमलेट हो रहा है फैटी इन्फिल्ट्रेशन ऑफ लिवर हो रही है इसके अलावा इम्यूनोग्लोब्यूल नहीं है तो इम्यून सप्रेशन भी होगी और इसमें ग्रोथ रिटार्डेड इज नोटेड बट टिपिकली फॉल्स बिटवीन सिक्सटी टू तो एटी ऑफ आइडियल बॉडी वेट और मरासमस में बिकॉज ग्लोबल माइक्रोन्यूट्रेन इनटेक इज डिक्रीज कैटाबॉलिक स्टेट लीड टू फैट ब्रेक डाउन एंड ग्रोथ रिटार्डेशन विच इज टिपिकली लेस देन सिक्सटी परसेंट ऑफ आइडियल बॉडी वेट इसमें कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है और फैट ब्रेकडाउन होता है और इसमें बॉडी अपने आप को अडेप्ट कर लेती है तो इस वजह से एडिमा के साथ ये लोग प्रेजेंट नहीं करते ट्रीडिस्पोजिंग फैक्टर में हमारे पास ऐसे एरियाज जहाँ पे पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है वॉर है नेचुरल डिजास्टर है या फिर आपके पास इकोनॉमिकली एंड फ्रेंचाइज पॉपुलेशन है वहां पे तो डाइट उनके पास डाइट नहीं होती इस वजह से वो इनसफिशेंट uh, डाइट पर होते हैं लेकिन जो इंडस्ट्रियलाइज नेशन है उनमें भी ये डिजीज uh, कॉमन है और उनमें ये वजह है फूड एलर्जीज की वजह से या फिर पेरेंट्स स्विचिंग फ्रॉम मिल्क बेस्ड फॉर्मूला और मिल्क इट एलर्जीज या फिर हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट्स जिसमें इंफ्लामेटरी कंडीशन uh, है इन्फेक्शस डिजीजे जो कि इंक्रीज फिजियोलॉजिकल नीड जहां पर भी इंक्रीज होगी और उतनी इनटेक नहीं होगी तो प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन रिजल्ट में हो जाएगा जैसे क्रॉनिक लिवर डिजीज है एड्स है या फिर प्रोटीन वेस्टिंग सिंड्रोम्स आएंगे जिसमें प्रोटीन वेस्टिंग सिंड्रोम जिसमें जीआई प्रोटीन वेस्ट कर रहा है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा आईबीडी में हो सकता है प्रोटीन लोजिंग इंटेरोपैथीज में हो सकता है जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस में, में हो सकता है ये सारी कंडीशन uh, है और इसके अलावा आपके पास जहां पे अमाइनो एसिड लॉस हो रहा है वहां पर भी प्रोटीन एनर्जी मेल्यूट्रिशन होगी जैसे कि एंड हार्टनव डिजीज हार्टनब डिजीज एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है जिसमें नियन डेफिशिएंसी होती है नियासिन वाइटामिन बी थ्री है नियासिन की डेफिशिएंसी से पिलाग्रा होता है तो हार्टनम डिजीज एक जेनेटिक कॉज है पिलाग्रा का इसमें ट्रिप्टोफेन की ट्रांसपोर्ट नहीं होती जब ट्रिप्टोफेन की ट्रांसपोर्ट नहीं होगी तो उससे नियासिन नहीं बनता इट रिजल्ट इन पिलाग्रा पैथोलॉजी में आपके पास और हार्टनप डिजीज में अमाइनो एसिड यूरिया होता है जब अमाइनो एसिड यूरिया होगा तो आपके पास इतने प्रोटीन्स नहीं होंगे कि बॉडी की नीड के मुताबिक हो तो इट रिजल्ट इन प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन फिर पैथोलॉजी में हिस्टोलॉजिकली स्किन फ्रॉम बायोक्स विद प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन शो सोरिया फॉर्म हाइपरप्लेजिया हाइपर केराटोसिस एपिडर्मल पिगमेंटेशन एट्रोफी और रेटी फ्लैटनिंग में भी प्रेजेंट ये सारे नॉन स्पेसिफिक चेंजेस हैं फोकल डिस्केराटोसिस में भी ऑब्जर्व इफ देर इज अंपनी माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी तो उसमें पैराकेराटोसिस या एपिडर्मल पिलार होगा इसके अलावा आपके पास कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स में ये है कि एक स्टडी ने सजेस्ट किया है कि अगर जो जीआई फ्लोरा है वो अल्टर हो जाए तो उसकी रीज़न से भी प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन हो सकती है इन्वामेंटल फैक्टर में पॉलिटिकल या इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी वार फेमाइन यही सारी चीज़ें हैं हिस्ट्री में आपके पास जब आपके पास इस तरह का पेशेंट आता है तो सबसे पहले यू शुड डिटरमिन कि व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ मेल न्यूट्रिशन ये मेल न्यूट्रिशन उसको किस वजह से हुई है या तो इनटेक सही नहीं है या फिर कोई अंडरलाइंग डिजीज है जैसे एच आई वी एच आई वी मलेरिया डायर इलनेस या कोई क्रोनिक इलनेस है क्रोनिक रिग्नल और हिपैटिक डिस्फंक्शन या जो बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग पे होते हैं उनकी मेटरनल डाइट कैसी है ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन शुड बी एंड ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन सफिशेंट है या नहीं डिमांड को पूरी करने के लिए इस पिक्चर में मरास्मस दिखाया गया है जिसमें लॉस ऑफ सबक्यूटेनियस फैट है जो मरास्मिक चाइल्ड होते हैं उनमें लॉस ऑफ सबक्यूटेनियस फैट होता है इसलिए उनकी प्रोजेरिक फेशीज़ होती हैं इसको मंकी फेस फेस भी कहते हैं या प्रोजेरिक फेस फेस भी कहते हैं जब लॉस ऑफ बकल फैट होता है तो इनके फेस बिल्कुल प्रोजेरिक फेस uh, बन जाता है इसके अलावा जब एनाल पेरीएनल फैट लॉस होगा तो ये रेक्टल प्रोलैप्स के साथ भी uh, प्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पे हाइपर पिगमेंटेशन डिसपिगमेंटेशन है और डिस्कोमेशन है जो कि कवाशर कोर और मरासमस दोनों के साइंस हैं फिर चिल्ड्रन विद प्रोटीन एनर्जी मेलोरेशन शो साइन ऑफ फेलियर टू थ्राइव देयर ग्रोथ वेलोसिटीज डिक्रीज एंड वेट एंड इवेंचुअली लेंथ परसेंटाइल फॉल जब एक्यूट मेल uh, होगी तो वेट फॉल करेगा और जब क्रोनिक होगी तो हाइट uh, बच्चे की uh, कम रेंज पे आएगी

आगे हम देखेंगे कर, कोर की स्किन फाइंडिंग्स बहुत ज्यादा है इसकी सिर्फ रिंकल लूज एंड ड्राई स्किन है एंड uh, उस पिक्चर में ये था कि थी थी हेयर एंड नेल्स ग्रो स्लोली एंड मे शो ब्रिटलनेस और हेयर ऑफन फॉल आउट इजीली एंड एरिया ऑफ एलोपेशिया मे बी एविडेंट लेनूगो हेयर मे बी ऑब्जर्व ऑन फेस एंड नेक कवाशर कोर में

अल्टरनेटिंग विद ब्लैक कलर जो कि इसका नॉर्मल है तो ये फ्लैग साइन है कि पहले एक नॉर्मल कलर है और अल्टरनेट कर रहा है वो रेड ब्राउन कलर के साथ तो ये शो करता है अल्टरनेटिंग पीरियड ऑफ सिग्निफिकेंट अंडर न्यूट्रिशन जब अंडर न्यूट्रिशन होगी तो रेड ब्राउन कलर आएगा और जब इम्प्रूव न्यूट्रिशन होगी तो आपके पास नॉर्मल कलर आएगा उसके अलावा जो इंफिलाेट्री चेंजेस है न्यूकस मेमब्रेन के जैसे जीरोमिया है, है स्टोमेटाइटस है और वल्वोविजनाइटस है वो क्यों होगा इसमें क्योंकि दूसरे विटामिंस भी डेफिशिएंट है विटामिन ए की डेफिशिएंसी से जीरोफथेलमिया होगा केलाइटिस स्टोमेटाइटिस और वुल्वोविजिनाइटिस बी कॉम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी से होगा बाकी इसके क्लिनिकल वेरिएंट वही मरास्मस कावाशर कोर मरास्मिक कावाशर कोर इस पिक्चर में एरिथ्रोडर्मिक फाइंडिंग इन कावाशर कोर दिखाया है के कोर में एक्सफोलिएटिव डर्मेटाइटिस ये के साथ भी बच्चा प्रेजेंट कर सकता है और इस पिक्चर में फ्लैकी पेंट डर्माटाइटिस शो हुआ है और पेरिफेरल एडिमा है फिर आपके पास जो डीडीज है क्योंकि कवाशुर कोर वाला पेशेंट ड्राई स्किन के साथ पीलिंग स्किन के साथ डिस्क्रिमिनेटिव स्किन के साथ प्रेजेंट करता है इसकी आ, ये मिस्टेकन हो सकते हैं फॉर एटोपिक एक्जिमा सिबोरिक डर्माटाइटिस और इवन कॉन्टेक्ट डर्माटाइटिस लेकिन आपको जब कोई सिक्स टू सिक्सटी मंथ के दरमियान की एज का बच्चा इस तरह करे तो यू शुड यू शुड थिंक ऑफ प्रोटीन एनर्जी मेल इसके अलावा जो हैवी मेटल टॉक्सिसिटीज है रिलेटेड टू मर्करी और सिलीनियम वो भी इरिथ्रोडर्मा और एडिमा के साथ प्रेजेंट कर सकती हैं अदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज वो है एक््रोडर्माटाइटिस एंड टेरोपैथिका एक जिंक डेफिशिएंसी और प्लाग्रा आगे इसकी क्लासिफिकेशन ऑफ सिवियरिटी है जो पीछे भी यही बात हुई थी कि जो डब्ल्यू एच ओ डिफाइन सिवियर एक्यूट मेल न्यूट्रिशन बिलो द एज ऑफ फाइव एज अ वेट फॉर हाई डिजीज स्कोर ऑफ लेस देन माइनस थ्री एडिशनली अमिड अपर आर्म फेरस लेस देन वन वन फाइव सेंटीमीटर कैन सर्व एज एन इंडिपेंडेंट क्राइटेरिया और इसी तरह मॉडरेट क्या है जिसका माइनस से माइनस के दरमियान में हो

आगे ये है कि एडल्ट में जो क्राइटेरिया है वो माइल्ड मेल मॉडरेट इज डिफाइंड एज हैविंग बीएमआई बिटवीन 16 एंड 17 एंड सेवन मेल एज हैविंग बीएमआई ऑफ लेस देन 16 ये दोनों टेबल यही बता रहे हैं ये वाला टेबल पीडियाट्रिक में बत, के लिए है और ये वाला पीडियाट्रिक और एडल्ट दोनों के लिए बताया पीडियाट्रिक में जो जी स्कोर है एडिकेट है माइनस टू टू प्लस टू मॉडरेट मैल माइक मेलन्यूट्रीशन का uh, नहीं है, है, जो कि एटी नाइन होना चाहिए और हाइट फॉर एज नाइन टू नाइन फोर होना चाहिए मॉडरेट में टू और में स्कोर स्कोर ये ज्यादा uh, इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू वेट फॉर हाइट एंड हाइट फॉर एज बाकी ये वाला जो टेबल है ये क्लासिफिकेशन बता रहा है सिवियरिटी ऑफ प्रोटीन एनर्जी मेलन्यूट्रिशन की जिसमें डब्ल्यू एच ओ का जो क्राइटेरिया है वो है चिल्ड्रन एज सिक्स टू सिक्स उनका स्कोर से है तो ये मॉडरेट है माइनस थ्री से uh, कम है, है, और सेंटीमीटर है तो ये सीवियर है एडल्ट में बी एम आई के बुनियाद पर हमने इनको क्लासीफाई किया है फिर मेल न्यूट्रिशन यूनिवर्सल स्क्रीनिंग टूल है जो मस्ट है ये आपके पास इसमें फाइव स्टेप इवेलुएशन प्रोसेस है ये टूल असाइन दिस टूल असाइन वैल्यू टू बीएमआई इसमें आपके पास वन uh, जो पैरामीटर है वो बीएमआई है फिर डिग्री ऑफ अनप्लान्ड परसेंट वेट लॉस है ड्यूरिंग द प्रीवियस थ्री टू सिक्स मंथ वेदर एक्यूट इलनेस इज प्रेजेंट एंड वेदर द लेक ऑफ न्यूट्रिशनल इंटेक इज एंटिसिपेटेड फॉर मोर देन 5 डेज अब जिनका बीएमआई जो है बिटवीन 18.5 टू 20 है उनको हम 1 पॉइंट देते हैं अगर बीएमआई एटीन पॉइंट फाइव से कम हो तो उसके दो पॉइंट हैं और इधर हम देखेंगे कि हम माइल्ड में 18.5 18 18 तो 18 तो उससे कम के पॉइंटिंग यहाँ पे नहीं है अगर बी एम आई मेजरमेंट आर एक्यूट इलनेस एक्विटी अगर बी एम आई मेजरमेंट डिफिकल्ट है तो आप मिट अपर ले लें

and it is anticipated that there will or has been no nutritional intake for more than five days to तो two points hain agar ye point total karne ke baad zero aata hai to wo low risk hai agar one bhi aata hai to wo medium risk hai aur two or greater hai to wo high risk hai complication protein energy malnutrition ki complications इस disease की complication इतनी dangerous uh, नहीं है लेकिन अगर हम इसकी रीफीडिंग uh, स्टार्ट करते हैं तो फिर कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि रीफीडिंग सिंड्रोम इज द सिंड्रोमल फिनोमिनाट कैन अ मेल पेशेंट इज गिवन गिवेन और पारंट्री आफ्टर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ डिप्राइवेशन क्योंकि हमारी बॉडी अपने आप को अडेप्ट कर लेती है फास्टिंग के दौरान हमारी बॉडी अपने आप को अडेप्ट कर लेती है ताकि प्रोटीन एंड मसल की कैटाबॉलिज्म ना हो लेकिन जो रीफीडिंग है वो इतना ग्लाइसेमिक लोड प्रोवाइड करता है जिससे ग्लाइकोजन फैट प्रोटीन सब बनना शुरू हो जाते हैं जब इनकी प्रोडक्शन शुरू हो जाती है इनकी प्रोडक्शन के लिए हमें वाइटाम्स भी चाहिए इलेक्ट्रोलाइट्स भी चाहिए जब इनकी इतनी रैपिड प्रोडक्शन होती है सारे इलेक्ट्रोलाइट यूज हो जाते हैं हमारे सीरम में प्लाज्मा में फॉस्फोरस मैग्नीशियम ये कम हो जाते हैं विच कैन बी रैपिडली डिप्लीटेड ड्यूरिंग द री फीडिंग प्रोसेस अगर फॉस्फोरस और मैग्नीशियम के साथ पोटाशियम भी कम होता है तो ये बहुत लीथल प्रोसेस है हाइपो होता है हाइपोमैग्नेसीमिया होता है हाइपोकलीनिया होता है हाइपो इस वजह से जब भी रीफीडिंग स्टार्ट करनी चाहिए तो नो ग्रेटर देन ऑफ कैलकुलेटेड एनर्जी रिक्वायरमेंट स्टार्ट करें फिफ्टी परसेंट से आपको कम स्टार्ट करना है और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाना है इन वन वीक फोर टू सेवन डेज बाकी इसकी जो लॉन्ग टर्म फॉलोअप है उसमें आपको ये दिखेगा कि पेशेंट कैन प्रेजेंट विद डेंटल केयरीज पेरियोडोंटल डिजीज टूथ लॉस पर्टिकुलरली विद एसोसिएट मेल न्यूट्रिशन इन रीनल डिजीज personality and mood disturbances attention deficit disorder neurodevelopmental abnormalities including cerebellar development motor coordination and externalizing behavior disease course and uh, prognosis if left untreated to malnourished children have a significantly increased mortality risk when the weight for height is more than 3 standard deviation below the median reference value रिस्क ऑफ़ डेथ इज नाइन फोल्ड ग्रेटर मेल न्यूट्रिशन है उसका मोर्टेलिटी रेट जो है एटी एट परसेंट रिकवरी है और लेस देन फोर परसेंट केस फर्टिलिटी है अगर एच आई वी के साथ एसोसिएटेड है तो फर्स्ट फोर डेज ऑफ ट्रीटमेंट इन में इसकी फर्टिलिटी रेट बहुत ज्यादा है हीमोडायलिसिस पेशेंट में रिस्क ऑफ मोर्टेलिटी भी इंक्रीज है विद डिग्री ऑफ मेल न्यूट्रिशन अगर आपके पास को मॉर्बिटिटीज है तो मेल न्यूट्रिशन की फिर मोर्टेलिटी ज्यादा है अगर ये अनकम्प्लिकेटेड है इसकी मोर्टैलिटी इतनी ज्यादा नहीं है एटी एट परसेंट रिकवरी रेट है इन्वेस्टिगेशन में हम वाइटल साइन मॉनिटर करेंगे जो जरूरी है सी बी सी करवाएंगे ताकि इन्फेक्शन के लिए हम देख सकें आयरन डेफिशंसी देख सकें कंप्रेहेंसिव मेटाबॉलिक पैनल कराएंगे जिसमें इलेक्ट्रोलाइट होंगे रीनल फंक्शन टेस्ट होंगे लिवर फंक्शन टेस्ट होंगे टोटल प्रोटीन एंड एल्ब्यूमिन होगा सोडियम पोटासियम क्लोराइड बाईकार के लिए हम देखेंगे ब्लड कल्चर स्टूल फॉर ओवासाइड एक्सरेज ये नेसेसरीगेशन है मैनेज करने के लिए सबसे पहले जो गोल ऑफ मैनेजमेंट है वो रिप्लीट न्यूट्रिएंट्स एंड रीगेन होमियोस्टेसिस सबसे पहले हम फ्लू फ्लूट uh, होम्योस्टेसिस uh, जो है वो रीगेन करेंगे उसके बाद हम कैलोरिक न्यूट्रिशन uh, स्टार्ट करेंगे ग्रेजुअल रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रेंट टू प्रिवेंट रीफीडिंग सिंड्रोम सबसे ज्यादा ख्याल रखना है कि रीफीडिंग सिंड्रोम ना हो एंड एसोसिएटेड इलेक्ट्रोलाइट एंड माइक्रो न्यूट्रेंट डिप्लीशन एज वेल एज मैनेजमेंट ऑफ को माइक्रो न्यूट्रेंट डिफिशियंसीज इम्यून सप्रेशन एंड कोमॉर्बिट इन्फेक्शन The CDC recommend inpatient care for children with evidence of severe edema and malnutrition. अगर सिवियर एडीमा है मैल न्यूट्रिशन है तो आपको एडमिट करना चाहिए पेशेंट को माइल टू मॉडरेट एडिमा एंड नो एपिटाइट में भी एडमिट करना चाहिए लेकिन जिन बच्चों की एपेटाइट ठीक है उनको एडमिट करने की जरूरत नहीं है एंटीबायोटिक हम सिवियर मैल न्यूट्रिशन में हमेशा एंटीबायोटिक देंगे लेकिन जो माइक टू मॉडरेट मैल न्यूट्रिशन है उसमें पहले हमने ये देखना है कि एविडेंस ऑफ इन्फेक्शन होना चाहिए फिर एंटीबायोटिक देंगे और इसके अलावा यह बात है कि ये मल्टी डिस अप्रोच है विद इनपुट प्रोवाइडेड बाय द हॉस्पिटल मेडिसिन टीम और क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट न्यूट्रिशन एंड डिजीज बाकी अभी हम ये टेबल uh, डिस्कस करते हैं जो कि इस पूरे चैप्टर की समरी है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज में स्किन टेक्सचर चेंजेस होते हैं स्किन टेक्सचर चेंजेस में आपके पास इरिथ्रोडर्मा के साथ पेशेंट प्रेजेंट करेगा या फ्राइनोडर्मा के साथ प्रेजेंट करेगा जो इरिथ्रोडर्मा है वो प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन में, में होगा जो हमने पहले डिस्कस किया या फिर एसेंशियल फैटी एसिड की डिफिशियंसी में होगा एसेंशियल फैटी एसिड दो हैं लिन, लिनोलियक है और लिनोलिनिक एसिड है एराकिडोनिक एसिड है जो हमारी बॉडी नहीं सिंथेसाइज कर सकती तो इरेथ्रोडर्मा इन दोनों कंडीशन में होता है इरिथ्रोडर्मा या एक्सफोलिएटिव डरमाटाइटिस के डीडीस में आपके पास प्राइमरी स्किन डिजीज जिसमें एटोपिक एक्जिमा है सोराइसिस है कंजनाइटल इक्थायोसिस है पीआरपी है ड्रग इरप्शन है मेलेगनेंसी क्यूटेनियस टी सेलिम्फोमा है इन्फेक्शन है स्टेफिलोकोकल कार्लिट सिंड्रोम टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम इम्यून डेफिशिएंसी इन सब के बारे में सोचना चाहिए लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि ये ज्यादा कॉमन है इन चीजों के बारे में भी सोचना चाहिए फिर साइनोडर्मा

किराटोटिस किराटोसिस पायलरिस है फिर स्किन कलर चेंजेस में आपके पास पिटेकियन परपरा है पिटेकियन परपरा डेफिशिएंसी डेफिशिय वाइटामिन ए और के की डेफिशिएंसी में आता है क्योंकि ये कोगलेशन फैक्टर की आ, आगे कोगुलशन फैक्टर की सिंथेसिस uh, में ये इंपॉर्टेंट है और एक्सेस इनटेक ऑफ विटामिन ई में भी पिटेकियन पथ पर आते हैं तो जब भी पिटेकियन पर पर आए तो वी शुड आल्सो थिंक ऑफ कंजप्टिव कोगलोपैथी जिसमें सिवियर इन्फेक्शन मेलेगनेंसी टिश्यू इंजरी इसके बहुत सारे रीजन है और थ्रोबोसाइटोपिनिया वेस्कुलर फ्रेजिलिटी सिंड्रोम इन सब के साथ साथ वी शुड ऑफ वाइटामिन एंड के ऑल्सो फिर येलो ऑरेंज स्किन चेंजेस में कैरोनिया है जिसमें स्किन येलो ऑरेंज हो जाती है एंड जॉन्डिस है इन दोनों को डिफ्रेंशिएट हम इस तरह करते हैं कि कैरोटिनिमिया म्यूकोजल इन्वॉल्वमेंट नहीं करता जबकि जॉन्डस जो है वो म्यूकोजा को इन्वॉल्व करेगा फिर डार्कनिंग ऑफ स्किन है डिफ्यूज और मैक्यूलर हाइपर पिगमेंटेशन जिसमें डेफिशियंसीज ऑफ फॉलेट और वाइटामिन बी ट्वेल्व है वाइटामिन बी ट्वेल्व और फॉलेट की डेफिशिएंसी दोनों की डेफिशिएंसी में स्किन डार्कन हो जाती है और हेयर की हाइपोपिगमेंटेशन हो जाती है इसके डिडीज में एडिसन डिजीज आएगी फिर फोटो डिस्ट्रीब्यूटेड में आपके पास आएगा इज नियासिन डेफिशिएंसी एंड रिलेटेड डिसऑर्डर आएंगे कार्सिनोइड कार्सिनोइड सिंड्रोम सिंड्रोम में सारा जो ट्रिप्टोफैन है वो सेरोटोनिन बना रहा है क्योंकि कार्सिनोइड सिंड्रोम एक सेरोटोनिन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर है तो ट्रिप्टोफैन इतना बचता नहीं है कि वो नियासिन बनाए और फिर प्लागरा हो जाता है और हार्ट जैसे मैंने पहले बताया कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है ट्रिप्टोफेन ट्रांसपोर्टर प्रोटीन का तो ट्रिप्टोफेन एब्जॉर्ब नहीं होता इसमें एंड डेफिशिएंसी क्योंकि इज नेसेसरी फॉर नियासिन प्रोडक्शन uh, नियासिन 50 परसेंट हमारी बॉडी सिंथेसाइज करती है तो नियासिन बनाने के लिए पायरिडॉक्सिन एक को फैक्टर की तरह काम करता है तो जहां पर भी प्लाग्रा होगा वहां पर आपने नियासिन के बारे में भी सोचना है और पायरिडोक्सिन डेफिशंसी के बारे में भी सोचना है इसके डिफरेंशियल में क्योंकि ये फोटो डिस्ट्रीब्यूटेड एरियाज में आता है इसलिए इसकी मोस्ट कॉमन साइट डॉर्सम ऑफ हैंड एंड फीट है और ये फेस को इन अ बटरफ्लाई डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्व करता है तो बटरफ्लाई डिस्ट्रीब्यूशन आती है हमारे पास तो सबसे पहले हम एस के बारे में सोचेंगे तो इसके डी में कनेक्टिव टिश्यू डिजीजेस हैं जो कि एस एल है डरमेटोमायोसाइटिस है पोलिमोरफिस लाइट इरप्शन है सोलर एटिकेरिया है डिफेक्टिव डीएनए रिपेयर सिंड्रोम जैसे जीरो डर्मा पिगमेंटोसा उसमें भी आपके पास फोटो फोटो uh, होता है

मेनली इसमें होता है लेकिन ये सारे वाइटामिन बी की में हो सकता है और इसके डीडीज में एंगुलर विद कैंडिडल ओवरग्रोथ है।, हो, है जिसमें राइबोफ्लेविन पारीडोक्सिन के साथ मेन नियासिन और बी12 भी आ जाते हैं इसके डीडी में लिप लिकिंग डरमाटाइटस है फिर ग्लोसाइटिस ग्लोसाइटिस आयरन की से भी होता है बी कॉम्प्लेक्स वाइटामिन की डेफिशिएंसी से भी होता है जिसमें राइबोफ्लेविन है नियासिन पारीडोक्सिन है बी ट्वल्व है बी ट्वेल्व है. और फॉलेट की एक स्पेशल टाइप ऑफ ग्लोसाइटिस करती है जिसको हंटर ग्लोसाइटिस कहते हैं जिसमें एट्रोफी ऑफ ऑफ पेपिला टंग होते हैं इसके में सिंड्रोम है, है, oral oral फिर में हमने जिंक देखनी है बी कॉम्प्लेक्स डेफिशिएंसी देखनी है नेपकिन डर्माटाइटिस इन दोनों जिंक डेफिशिएंसी में और बी कॉम्प्लेक्स विटामिन डेफिशिएंसी में होता है लेकिन इसके डीडीज़ में नेपकिन डर्माटाइटिस है जो कि इनसे ज्यादा कॉमन है सिबोरिक डर्माटाइटस है सोरियासिस है और इसमें हमेशा लैंगरहान सेल हिस्टोसाइटोसिस के बारे में सोचना चाहिए जो नेपकिन डर्माटाइटिस ट्रीट ना हो रहे हो फिर एटनिक्सल चेंजेस में लाइटनिंग ऑफ हेयर कलर लाइटनिंग ऑफ हेयर कलर प्रोटीन एनर्जी मेलन्यूट्रिशन में हमने फ्लैक्स साइन पढ़ा उसमें भी लाइटनिंग ऑफ हेयर कलर हो रही है पिगमेंटेशन होती है लेकिन हेयर की हाइपो पिगमेंटेशन होती है डेफिशिएंसी ऑफ ए एंड सी है ये भी काफी एमसीक्यूज में आता है कि कॉर्क्रू हेयर जो है वो किसकी डेफिशिएंसी में होता है तो उसमें सिर्फ सी का ऑप्शन है जो एमसीक्यू है ईटा का फिर नेल चेंजेस हैं जिसमें ब्लूस लाइन कवाशरपोर में आती है कोयलोनाइकिया आयरन डिफिशेंसी और हाफ एंड हाफ हाँ प्लाग्रा में आता है लेकिन यूस लाइन सिवियर में भी आती हैं कोलोनाइकिया क्रॉनिक डायबिटीज का साइन भी हो सकता है और हाफ एंड हाफ हाँ रीनल डिजीज और सराइसिस में भी आता है तो हमने ये टेबल डिस्कस किया और प्रोटीन एनर्जी मेल नूट्रिशन पड़ी नाउ वी विल डिस्कस फैट सोलेबल वाइटामिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैट सोलिबल वाइटामिन इज वाइटामिन ए इनको हम फैट सॉलेबल वाइटामिन क्यों कहते हैं क्योंकि फैट सोलिबल फैट एब्जॉर्बन के साथ ये एब्जॉर्ब होते हैं अगर आपके पास कहीं पर भी फैट मेल एब्डोप्शन है तो फैट सॉलेबल वाइटामिन भी एब्जॉर्ब नहीं होंगे क्योंकि इनकी एब्जॉर्प्शन के लिए काइलोमाइक्रोन के साथ ये इनकी एब्जॉर्प्शन के लिए लिपोप्रोटीन लाइपेस भी जरूरी है काइलो भी ज़रूरी है इनकी ट्रांसपोर्ट के लिए और फिर ये लिवर में जाके स्टोर होते हैं और फिर उनकी रिलीज के लिए फिर वापस फैट लाइपोप्रोटीन जरूरी है तो जहां पर भी फैट मेलेबॉपन होती है वहां पर फैट सोलिबल वाइटमिन की भी मेलेब्जॉप होती है

जहां पे प्लांट सोर्स में ये बीटा कैरोटीन की तरह होता है के फॉर्म में होता है और एनिमल फ, आ, में ये रेटेनाइल एस्टर की फॉर्म में होता है इसकी जो स्टोरेज फॉर्म है ह्यूमन बींग में भी वो रेटेनाइल एस्टर है जो लिवर में हमारी ये स्टोर होगा वो भी रेटेनाइल एस्टर्स की फॉर्म में स्टोर होगा रिच सोर्स ऑफ वाइटामिन ए इंक्लूड डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ब्राइटली कलर्ड फ्रू, फ्रू, फ्रूट जिसमें कैरेट टोमेटो मैंगो एप्रिकॉट है एग योक animal liver fish red palm oil and fortified milk dietary carotene and retinyl ester are converted to retinol jab ye retinol mein convert ho jayenge to ye retinol ki form mein absorb honge uske baad ye transport honge via chylomicron liver tak jayenge liver mein ye store honge as a retinyl ester aur wahan se phir ये जब liver से release होंगे तो as a retinol ही release होंगे मतलब इसकी जो ट्रांसपोर्टिंग ट्रांसपोर्टिंग फॉर्म है वो retinol है लेकिन storage form है वो रेटिनाइल ester. है

Um, uh, so, ग्लोबली है सबसे ज्यादा कॉमन है प्री स्कूल चिल्ड्रन में फिर एज जो है सबको मुतासर करती है सारे एज ग्रुप में लेकिन चिल्ड्रेन जो है वो ज्यादाटेड होते हैं कोई सेकिल्शन नहीं है इसकी कोई एथनिक भी नहीं है एसोसिएटेड डिजीज है जहां पे फैट मेलेब्सॉर्प्शन होगी वहां पे वाइटामिन ए के साथ सारे vitamins, जो कि फैट सॉलेबल हैं वो सारे मेलेब्सॉर्प होंगे जिसमें डी के ये सारे साथ भी प्रेजेंट कर सकते हैं अब प्री फैक्टर्स क्या है वाइटामिन ए के वाइटामिन ए के प्रीडिस्पो फैक्टर वाइटामिन डेफिशिएंसी के इन एडिकेट इनटेक और मेल न्यूट्रिशन है फैट मेल एब्जॉप क्रोनिक इंटेस्टाइनल इन्फ्लेमेशन एंड लिवर ये प्री फैक्टर्स सिर्फ विटामिन ए के नहीं है बल्कि विटामिन डी विटामिन ई और विटामिन के ये सब के यही प्री फैक्टर्स हैं कि या तो आप ले नहीं रहे हो डाइट में या फिर वो फैट मेलेब्जॉर्प्शन के साथ एबजॉर्ब ही नहीं हो रहा क्योंकि फैट मेल हो रही है या फिर इंटेस्टाइनल कोई इन्फ्लामेशन चल रही है या फिर आगे लिवर का मसला है कि वो स्टोर नहीं हो पा रहा या स्टोर हो गया है तो वो रिलीज नहीं हो पा रहा तो पोअर डायट्री इन कैन बी ऑब्जर्व इन द सेटिंग ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर जैसे रिस्ट्रिक्टिव डाइट प्योर वेजिटेबल्स uh, डाइट या फिर इंडिविजुअल विद ऑटिज्म जिनकी डाइट इटिंग बिहेवियर सही नहीं है इलनेस एंड पोवर्टी मेल एबजॉर्प्शन ऑफ फैट एंड फैट सोलेबल वाइटामिन कैन अगर सेकेंडरी टू सीलिक डिजीज सीलिय डिजीज में पेनक्रियाटिक सीलिक डिजीज में इंटेस्टाइनल uh, विलाए की एक ट्रोफी होती है जिसकी वजह से मेल एबजॉर्प्शन होती है जिसमें पेनक्रिया सिस्टिक फाइब्रोसिस भी इंटस्टाइन कि विलय को भी करता करता है करता है डिसफंक्शन भी देन गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी जिसमें हम इंटेस्टाइन का मे मेजर पोर्शन बाईपास कर देंगे तो ये एब्जॉर्प्शन uh, नहीं हो पाएगी फैट सॉल्युबल uh, वाइटामिन की एंड पेनक्रियाटिक इनसफिशिएंसी पेनक्रियाटिक इनसफिशिएंसी तो लिपोप्रोटीन पेनक्रियाटिक लाइपेस नहीं आ पाएगा जो कि फैट uh, की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करे एंड बिलेरी डग डिजीज क्रोनिक इंटेस्टाइनल इन्फ्लामेशन एंड डायरिया एसोसिएटेड विद आईबीडी

मलेशिया, कॉर्नियल परफोरेशन आयरस प्रोलैप्स एंड ब्लाइंड वाइटमिन एक ही ओक्यूलर कम्प्लिकेशन हैलेशिया दर्म, डरमोमलेशिया सॉफ्टिंग ऑफ स्किन एंड फ्राइनोडर्मा।, फ्राइनोडर्मा फ्राइनोडर्मा क्या है वो किराटोटिक फॉलिक्यूलर पेप्यूल हैं जो कि एंटीरोट्रल था या पोस्टीरोट्रल अपर आर्म को ज्यादा इन्वॉल्व करता है लेकिन ये इनिशियली इन एरियाज को इन्वॉल्व करता है और फिर ये एक्सटेंसर एक्सट्रीमिटीज शोल्डर्स पोस्टीरियर नेक

प्रोग्नोसिस इज जनरली गुड सारे जो कि जितने भी वाइटामिन की डेफिशिएंसीज हैं उस सब की प्रोग्नोसिस अच्छी है अगर आपने इसको अर्ली आइडेंटिफाई अद, कर लिया और ट्रीट कर लिया अगर तो ये क्रोनिक में चला गया तो जो सिवियर और क्यूलर कॉम्प्लिकेशन है आटोपिकली इरिवर्सिबल तो अगर ब्लाइंडनेस हो गई तो वो इिवर्सिबल है दिस पिक्चर इज शोइंग फॉलिक्यूलर किराटोटिक पेप्यूज फाइनोडर्मा इन एंटीरो डायग्नोसिस हम कंफर्म करेंगे सीरम रेटिनोल लेवल को मेजर करके जो नॉर्मल सीरम रेटिनोल लेवल है वो ट्वेंटी टू फिफ्टी माइक्रोग्राम पर डीएल है और एक स्टडी के मुताबिक अगर आप हाइड्रोलिस ऑफ रेटिनाइल ग्लूकोरोनाइट टू रेटिनोइक एसिड इनकी रेटिनाइल ग्लूकोरोनाइट से रेटिनोइक एसिड बनने के दरम्यान में इसकी हाइड्रोलिसिस होगी तो रेटिनोइक एसिड बनेगा अगर हम इस एक्टिविटी को मेजर करें तो वो भी हमें वाइटामिन के बारे में बताएगा तो विटामिन ए का रिकमेंडेड डेली इनटेक है वो लेना है कब तक लेना है जब तक क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम रिजोल्व नहीं होते और जब तक आपका जो सीरम रेटिनोल लेवल है वो फिफ्टी माइक्रोग्राम पर डीएल से ज्यादा नहीं हो जाता या ट्वेंटी टू तो फिफ्टी के दरम्यान में भी आ जाए तो ठीक है लेकिन अच्छा है कि वो ज्यादा हो तो जब तक ये सीनम रेटिनोल नॉर्मलाइज नहीं होता और जब तक आपकी क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम रिजॉल्व नहीं होते तब तक डेली फिफ्टी थाउजेंड टू टू लैक आई इंटरनेशनल यूनिट आपने वाइटमिन ए सप्लीमेंट सप्लीमेंटेशन के देने हैं डोज इज डिपेंडेंट ऑन एज एंड ट्रीटमेंट पीरियड विद क्लिनिकल एक्सेस क्लिनिकलिन ए का एक्सेस वाइटामिन के एक्सेस की दो फॉर्म्स हैं

का रिस्क फैक्टर है तो वो ये तीन कैंसर लंग प्रोस्टेट एंड गैस्ट्रिक प्रीडिंग फैक्टर आपके पास दो फॉर्म्स में होते हैं विटामिन ए टॉक्सिसिटी और a, over में अगर आपने किया है, तो विटामिन ए टॉक्सिसिटी एक्यूट होगी और मंथ टू ईयर ज्यादा लेने से होगा वाइटामिनपर वाइटामिनोसिस ए रिजल्ट फ्रॉम ओवर कंजम्पशन करेगा फिर आगे बीटाइरो इंटेक से होता है सो पहली बात इसमें जो अप टू वन थर्ड ऑफ कैरोटीन है ये बाईपास करता है कन्वर्जन टू रेटिनोल तो सिर्फ कैरोटीन आपके पास एकट होगा बॉडी में अब जब कैरोटीन एकट होगा पहले तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन से डायरेक्टली एब्सॉर्ब हो जाएगा रेटिनोल में कन्वर्ट नहीं होगा और सिर्फ कैरोटीन आपके पास बॉडी में ज्यादा होगा तो ये सिर्फ स्किन की पिगमेंटेशन करेगा इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ कैरोटीन कैन बी सीन इन द सेटिंग ऑफ लाइपेस हाइपोथर पेंक्रिया डेफिशिएंसीज एंड विद प्रोसेसिंग ऑफ फूड कन्वर्सली डायट्री फाइबर डिक्रीज एब्जॉर्फ कैरोन इंडिविजुअल विद हाइपर लिपिडीमिया में डेवलपीमिया रिलेशनशिप एंड को रिलेशन बिटवीन बीटाप्रोटी एंड बीटाटीज डिपोज टू कैरोनमिया लेकिन ये एक बेनाइक डिसऑर्डर है चाहे जितना भी इसका लेवल ज्यादा हो जाए ये वाइटामिन टॉक्सिसिटी को लीड नहीं करता अब आपके पास जो वाइटामिन ए टॉक्सिसिटी है एक्यूट है जो कि विद इन आर्स विदन आर्स हुई है उसमें पेशेंट प्रेजेंट करेगा हेड एक के साथ विजन चेंजेस के साथ विजन चेंजेस डेफिशिएंसी में भी है एक्सेस में भी है फटीक एनोरेक्सिया वॉमिटिंग माइलजी एंड आर्थर इसमें फटीक एनोरेक्सिया नोजिया वॉमिटिंग ये लिवर डैमेज के साइन है तो भी ये लिवर डैमेज करेगा और अगर क्रोनिक है तो ये सिरोसिस भी का कॉज भी हो सकता है वेट लॉस कैन बी ऑब्जर्व विद क्रोनिक इंटॉक्सिकेशन इन कैरोमिया इंडिविजुअल प्रेजेंट विद येलो डिस्कलरेशन ऑफ स्किन ुलर हाइपर केराटोसिस जो के की फ्लाइनोडर्मा की तरह कर सकता है एंड हाइपर पिगमेंटेशन

तो ये ज्यादा प्रोमिनेंट येलो ऑरेंज पिगमेंटेशन फेस की होती है जहां पे ग्लैंड ज्यादा है पाम एंड सोल की होती है जहां पे थिक स्ट्रेटम क्लिनिकल वेरिएंट दो हैं हाइपर वाइटामिनोसिस ए एंड कैरोमिया हाइपर वाइटामिनोसिस ए की कॉम्प्लिकेशन ज्यादा है कैरोटिनिमिया एक बिनाइंग डिसऑर्डर है इन कैरोमियार्मा कैन मिमिक जॉन्डिस एंड मेडिकेशन इन पिगमेंटेशन बट अनलाइकोनोड keratin mm -hmm. तो इस तरह सेमिया तो की लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन कोई भी नहीं है वाइटमिन ए टॉक्सिसिटी की प्रोग्नोसिस डिसकॉन्टिन्यूशन ऑफ वाइटमिन के लीड टू रेजोल्यूशन ऑफ ऑलमोस्ट ऑल सिम्टम ऑफ वाइटामिनसेप्शन ऑफ सीरोडोट्राइ सारी चीजें रिवर्स हो जाएंगी लेकिन सिरोसिस रिवर्स नहीं होगा और ट्यूमर अगर हो गया है है तो उसकी जो सिक्वली वो रिवर्स नहीं होगी फिर कैरोमिया है इसकी एक्सिलेंट प्रोग्नोसिस है विद नो क्लियर लॉन्ग टर्म एडवर्स इफेक्ट जैसे पिगमेंट्री चेंजेस रिजोल्व हो जाते हैं विद इन वीक टू मंथ ऑफ डिक्रीजिंग बीटा कैरोटीन बीटाइरो फिर आपके पास जब आप इन्वेस्टिगेशन कराएंगे तो वही सीरम वाइटामिन लेवल हम मेजर करेंगे वो कंफर्म कर देगा डायग्नोसिस को इसके अलावा आप कैल्शियम और अल्कलाइन फॉस्फेटेस

विटामिन डी फैट सॉल्युबल विटामिन है और ये एसेंशियल है इन द रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम एंड फोस्फोरस मेटाबॉलिज्म विटामिन डी का सबसे इंपॉर्टेंट जो काम है वो इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ डायट्रिक कैल्शियम है डायट्रिक कैल्शियम को ये एब्जॉर्ब कराता है फ्रॉम इंटेस्टाइन फ्रॉम रीनल फ्रॉम किडनी एंड ये बोन की बोन की बोन की मिनरलाइजेशन के लिए विटामिन डी जरूरी होता है और ये कैल्शियम एंड फॉस्फेट को रीनल से भी और डाइट इंटस्टाइन से भी एब्जॉर्ब कराता है इट इज ड्राइव फ्रॉम डाइटरी सोर्स जिसमें आपके पास एर्गो कैल्सिफेरो है या वाइटामिन एर्गो कैल्सिफेरोल जो हमारे पास हमें डाइटरी सोर्स से मिलता है फिश से फिश ऑयल से फोर्टिफाइड मिल्क से एग से लिवर से मशरूम से और इंडोजीनस सिंथेसिस जो हमारी स्किन यूवीबी लाइट से सिंथेसाइज करती है वो कोली कैल्सिफेरोल है वाइटामिन डी थ्री तो डी टू हमें डाइट से मिलता है और डी थ्री जो है वो स्किन इंडोजीनियस सिंथेसिस होती है क्या होता है सेवन डिहाइड्रोकोलेटेरोइजेशन सेवन डिहाइड्रोकोलेटेरोल की, की होगी तो प्री वाइटामिन डी थ्री बनेगा फिर प्री वाइटामिन डी थ्री की स्पॉन्टेनियस टेम्परेचर डिपेंडेड आइसोमराइजेशन होगी और ये फिर कोलिक एसिफेरोल बना देगा बोथ वाइटामिन डी टू एंड डी थ्री आर हाइड्रोक्सीटेड इन द लिवर सबसे पहले वाइटामिनट होंगे डी बनाएंगे जिसको हम कैल्स कहेंगे और उसके बाद ये किडनी में हाइड्रोक्सीलेट होंगे तो वन ट्वेंटी डी बनाएंगे Now, uh, जो का लेवल है वो डेफिशियसीड एज मोस्ट एक्सपर्ट एस ट्वेंटी तो ये वैल्यू याद करनी है कि लेस देन अगर ट्वेंटी नैनोग्राम पर एम हो तो ये वाइटामिन डी की डेफिशेंसी है वाइटामिन डी की डेफिशिय uh, हमारे पास स्किन मैनिफेस्टेशन इतनी ज्यादा नहीं करती सबसे ज्यादा ये स्केलेटल एबनॉर्मेलिटीज करती है जिसमें वाइटामिन डी डेफिशिएंट रिकेट होता है टू हेरिडेटरी फॉर्म है वाइटामिन डी डिपेंडेंट रिकेट के जो दो हेरिडिट्री फॉर्म है वो हम आगे डिस्कस करते हैं वाइटामिन डी डेफिशिएंसी उन आ, इलाकों में ज्यादा कॉमन है जहां पे सन एक्सपोजर नहीं होता और जहां पे बॉडी रिलीजियस प्रैक्टिसेस की वजह से, women, आ, exposure, इतने से में जो डार्कर स्किन इंडिविजुअल होते हैं क्योंकि मिलेन जो है वो यूवीबी प्रोटेक्टिव होता है वो वाइटामिन डी को सिंथेसाइज सी मे बी प्रोटेक्टिव अगेंस्ट मस्कुलर स्केलेटल डिजीज ये तो जाहिर सी बात है अगर वाइटामिन डी होगा तो मस्कुलर स्केलेटल डिजीज नहीं होगी लेकिन इन्फेक्शन ऑटो इम्यून डिजीजेस कार्डियोवस्कुलर डिजीज डायबिटीज न्यूरोगनेटिव डिस्फंक्शन

थियोटिकली रेड्यूस वाइटामिन डी सिंथेसिस के अगर हम थ्योरी पढ़ें तो वाइटामिन डी सिंथिस सनस्क्रीन से वाइटामिन डी सिंथिसिस कम हो सकती है लेकिन रियल लाइफ एप्लीकेशन में सनस्क्रीन डज नॉट रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट वाइटामिन डी डेफिशिय फिर फैट मेल एब्जॉपन स्टेट्स जिसमें सारे फैट सॉलिबल वाइटामिन कम होंगे जिसमें सीलिय डिजीज -like है सिस्टिक फाइब्रोसिस है पेंक्रियाटिक डिजीज है बिलरीरी डिजीज है या गैस्ट्रिक बायपास सर्जरी है फिर लिवर डिजीज रीनल डिजीज और एंटी कन्वर्जन कैन ऑलसो इंटरफेयर विद वाइटामिन डी मेटाबॉलिज्म िन डी डिपेंडेंट के जिसमें टाइप वन में वन एल्फा हाइड्रोक्सिलेशन नहीं होती किडनी में और टाइप टू में आपके पास वाइटामिन तो टाइप वन में जब वोक्ट हाइड्रोक्सिलाईज hydrox, uh, ही नहीं होगा तो एक्टिवेट नहीं होगा और टाइप टू में अगर वाइटामिन डी जितना भी हो जब उसके रिसेप्टर रेजिस्टेंस है तो उसका वो अपना काम नहीं करेगा हिस्ट्री में हमारे पास पेशेंट कैन प्रेजेंट विद फ्रैक्चर और डेंटल डिफेक्ट सच एज डिलेड एंड कैरीज एक्यूट हाइपोकैल्सीमिया ट्रू इन इन्फेंट कैन मैनिफेस्ट विद सीजर एंड टेटनी एंड एडोलेसेंट मे कंप्लेन ऑफ कार्पोपिटल कार्पोपीडल एंड लिम पेन ये सारे साइंस जो है वो हाइपोकैल्सीमिया के साइन के साथ प्रेजेंट करेगा विटामिन डी हाइपोकैल्सीमिया और हाइपोकैल्सीमिया जब होगा तो आ, वो पैराथायरोड हार्मोन को रिलीज करेगा पैराथायरोड हार्मोन क्या करेगा वो कैल्शियम को बोन से रिलीज करेगा जब बोन से सारा कैल्शियम रिलीज हो जाएगा पुअर मिनरलाइजेशन होगी पुअर मिनरलाइजेशन फ्रेंग एंड वाइडनिंग ऑफ मेटाफाइसिस करेगा प्रोमिनेंट कॉस्टोकॉन्ड्रल ज्वाइंट

फ्रीक्वेंट फ्रैक्चर शुड रेसर्न फॉर नॉन एक्सीडेंटल ट्रामा फिर आपके ऑस्टियोपोरोसिस और फिर उससे रिलेटेड जल्दी पता चल जाए तो सप्लीमेंटेशन वुड बी बेनिफिशियल बाकी इसमें यह बात है कि वाइटामिन

फिर इन्वेस्टिगेशन में आपके पास आपने ट्वेंटी फाइव हाइड्रोक्सी वाइटामिन कराना है हाइपो आपको दिख सकता है हाइपो जहां पर भी वाइटामिन डी की बात होती है वहां पे हम कैल्शियम भी टेस्ट कराते हैं फॉस्फेट टेस्ट कराते हैं अल्कलाइन फॉस्फेटेस टेस्ट कराते हैं और पैराथायरोड हार्मोन की टेस्ट करवाते हैं इसमें इंक्रीज अल्कलाइन फॉस्फेटेस और इंक्रीज पैराथायरोड हार्मोन होगा बाकी सब कम होगा जो आपके पास रिकमेंडेड डेली इंटेक है वाइटामिन डी की वो टू हंड्रेड से सिक्स यूनिट है और जिनका सन एक्सपोजर एडिकेट नहीं है उनमें एट हंड्रेड से थाउजेंड इंटरनेशनल यूनिट है बाकी इसकी जो डेफिशिएंसी है ये रिकमेंडेड बाकी डेफिशिएंसी में जो डोजेज हैं वो आपको एज के हिसाब से याद करनी है अगर पेशेंट ओल्डर देन वन ईयर है तो आपको एज

थाउजेंड यूनिट है और डी टू का थ्री थाउजेंड यूनिट है यानी जो नंबर यहाँ पे ज्यादा है वो नंबर वहां पे कम है डी थ्री है तो उसका थाउजेंड है और डी टू है तो उसका थ्री थाउजेंड है ये डेली की डोज है जो वीकली डोज है वो फिफ्टी थाउजेंड इंटरनेशनल यूनिट है फॉर पेशेंट अंडर वन ईयर ऑफ एज थाउजेंड से फाइव थाउजेंड आई यू ओ वाइटामिन डी टू शुड बी गिवन डेली अंटिल कब तक देनी है जब तक रेडियोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज नॉर्मलाइज नहीं होती तब तक आपने अंडर वन ईयर को वाइटामिन डी टू देना है जब तक रेडियोलॉजिकली रेडियोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज नॉर्मलाइज नहीं होती ऑल ब्रेस्ट फेट इन्फेंट शुड बी सप्लीमेंटेड विथ फोर हंड्रेड आई यू ऑफ वाइटामिन डी एज अ प्रोफाइलेक्सिस क्योंकि ब्रेस्ट ब्रेस्ट मिल्क में वाइटामिन डी नहीं होता उसको सप्लीमेंट करना चाहिए हर इन्फेंट uh, को विथ फोर हंड्रेड इंटरनेशनल यूनिट ऑफ वाइटामिन डी सन एक्सपोजर एंड यूवी यूबीलाइट थेरापी बी यूजफुल इन करेक्टिंग वाइटामिन डी डेफिशिएंसी डी एल्फा टोकोफेराइल एक था ई e का कंपाउंड है और ये सक्सेसफुली हुआ है तो ट्रीट सक्सेसफुलीटिक्रिकेट फिर वाइटामिन ई e. वाइटामिन ई e एक फैट सॉलेबल वाइटामिन है इसकी खास बात सिर्फ ये है कि ये पोटेंट एंटी है और वाइडली अवेलेबल है कॉमनली फाउंड इन वेजिटेबल ऑयल्स लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स फोर्टिफाइड सीरियल नट्स एंड सीड नेचुरल विटामिन ई के फोर फॉर्म्स होते हैं फोर टोको फॉर्म है फोर टोकोट्रायनोल है, है जिसमें सबसे ज्यादा कॉमन एल्फा टोको फिर है विटामिन ई की डेफिशिएंसी मेनली प्रेजेंट करती है न्यूरोलॉजिकल सीक्वेली uh, के साथ इसकी स्किन मैनिफेस्टेशन इतनी ज्यादा नहीं है इसमें सिर्फ न्यूरोलॉजिकल सिक्वली इंपॉर्टेंट है ए टमिन ई डेफिशंसी एक रेयर म्यूटेशन इन अल्फा टोकोफेल ट्रांसफर प्रोटीन तो अल्फा टोकोफेल ट्रांसफर प्रोटीन इसमें म्यूटेटेड है जिसकी वजह से वाइटामिन ई की ट्रांसपोर्ट नहीं हो रही तो ए विद विदिन ई डेफिशिएंसी सिंड्रोम का नाम है फिर वाइटामिन ई डेफिशिएंसी इज रेयरली इनकाउंटर्ड तो ये इतना कॉमन भी नहीं है फिर विटामिन ई डेफिशिएंसी हैज नो एज प्रेडिलेक्शन बट जो ये इटेक्सिया विद विटामिन ई डेफिशिएंसी है ये मैनिफेस्ट होता है ड्यूरिंग लेट चाइल्डहुड और अर्ली टीन्स कोई सेक्स प्रेडिलेक्शन नहीं है कोई एथनिक प्रेडिलेक्शन भी नहीं है इट कैन प्रेजेंट विद डेफिशिएंसीज इन अदर फैट विटामिंस तो अगर फैट मेल एब्जॉर्बशन के साथ आपको न्यूरोलॉजिकल साइंस भी मिल रहे हैं तो वो विटामिन ई डेफिशिएंसी की वजह से एक्वायर्ड वाइटामिन ई डेफिशिय मोस्ट फ्रिक्वेंटली डेवलप एज रिजल्ट जिसमें सिस्टिक फाइब्रोसिस है कोलिस्टेटिक लिवर डिजीज है शॉर्ट बोगल सिंड्रोम है या ए बीटा लिपोप्रोटिन है ए बीटा लिपोप्रोटीनिमिया है जिसमें आपके पास लिपोप्रोटीस होते ही नहीं है इनके कोलेस्टेरोल और लिपिड एक्सट्रीमली लो होते हैं तो जब लिपोप्रोटीन्स ही नहीं है तो वो वाइटमिन ई e की ट्रांसपोर्ट में हेल्प नहीं कर सकते तो दे रिजल्ट इन फैट इम्पियड फैट एफ्रोप्शन

Uh, के लिए उनको वेलरेबल बना देता है फिर वाइटामिन ई e के पेशेंट प्रेजेंट करते हैं वीकनेस और ब्लरी विजन के साथ बोथ एक्वायर्ड वाइटामिन ई डेफिशिएंसी एंड एविट कैन प्रेजेंट विद डिवास्टेटिंग न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन जिसमें इंपॉर्टेंट है हाइपोरिफ्लेक्सिया के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं ए के साथ वीकनेस डिक्रीज प्रोप्रियोसेप्शन एंड वाइब्रेटरी सेंस डिक्रीज विजुअल एक्विटी अल्टीमेटली डिमेंशिया ये सारे न्यूरोलॉजिकल है कार्डिक एरेथमिया एंड ब्लाइंडनेस

इन्वेस्टिगेशन में हम इसमें टोकोफेरोली कराएंगे प्लाज्मा और जेनेटिका e रिकमेंडेडी uh, 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 पड़े थे वाइटामिन ए का और वाइटामिन बी का वो दोनों इंटरनेशनल यूनिट में थे जिसमें वाइटामिन बी टू हंड्रेड टू सिक्स हंड्रेड इंटरनेशनल यूनिट आर डी आई है और वाइटामिन ए का थाउजेंड टू फाइव थाउजेंड है

फिर विटामिन ई e का एक्सेस इंपॉर्टेंट है क्योंकि विटामिन ई e का एक्सेस जो है वो क्यूटेनियस मैनिफेस्टेशन करता है ब्रूजिंग की जिसमें इजी ब्लीडिंग और ब्रूजिंग होती है क्योंकि विटामिन ई e का एंटी कोगुलेंट इफेक्ट है जब एंटी कोगले कोगलेशन ज्यादा हो जाएगी एक्सेस की वजह से तो ब्लीडिंग एंड ब्रूजिंग होगी विटामिन ई e एक्सेस इज रेयरली इंकाउंटर्ड इसका डिफिशियंसी भी रेयरली इनकाउंटर्ड है एक्सेस भी रेयरली इनकाउंटर्ड है इसमें भी कोई एज प्रीडिलेक्शन नहीं है कोई जेंडर प्रीडिलेक्शन नहीं है कोई एथनिक प्रीडिलेक्शन नहीं है विटामिन ई e कैनलाइज टू ओवर सप्लीमेंटेशन और पेशेंट प्रेजेंट करेंगे इजी ब्रूजिंग और ब्लीडिंग के साथ वाइटामिन टॉक्सिसिटी में प्रीडिस्पोज पेशेंट वो डेवलप परपरा एंड हेमरेज ड्यू टू इनहेरेंट एंटी प्लेटलेट इफेक्ट इसका एंटी प्लेटलेट इफेक्ट है जिसकी वजह से परपरा एंड हेमरेज के साथ भी पेशेंट प्रेजेंट करेगा और इसकी एबिलिटी भी है कि ऑगमेंट करता है इफेक्ट ऑफ एंटी कोगलेंट मेडिकेशन तो अगर आप एंटी मेडिकेशन वाले पेशेंट को एक ऐसा मल्टी वाइटामिन प्रिस्क्राइब करेंगे जिसमें वाइटामिन ई e भी है और वो उसकी ओवर सप्लीमेंटेशन कर लेगा इट तो कैन रिजल्ट इन ब्लीडिंग एंड ब्लीडिंग एंड अदर ऑफ हेमरेज शुड बी ई एक्सेस इज पर रेयर प्रोग्नोसिस भी इसकी गुड है इफ ट्रीटेड अर्ली और इसमें प्लाज्मा एल्फाटो को फिर लेवल ही देखेंगे फिर ये है कि जो आर डी आई है वो इसका फोर टू फिफ्टीन एम जी है तो ऑफ एक्सेस इनटेक से इट कैन बी ट्रीटेड फिर हमारा आज का लास्ट टॉपिक वाइटामिन के वाइटामिन के भी फैट सॉलेबल वाइटामिन है और ये हम सबको पता है कि ये एक को फैक्टर है सिंथेसिस ऑफ कोगुलेशन फैक्टर में और ये टू सेवन नाइन एंड टेन कोगुलेशन फैक्टर को इफेक्ट करता है जिसको हम मेमोराइज कर सकते हैं नाइनटीन ट्वेंटी सेवन से वन uh, जो है वो वन नहीं है वो टेन है नाइनटीन ट्वेंटी सेवन में टेन नाइन टू एंड सेवन ये फैक्टर्स जो हैं वो <coughs> मुतासर होते हैं जिसकी वजह से कोगुलेशन इफेक्ट होती है एंड प्रोटीन सी एंड प्रोटीन एस भी इसमें है बाकी विटामिन के आ, हमें डायट्री इनटेक और विटामिन के फिफ्टी परसेंट ऑफ बॉडीज डेली रिक्वायरमेंट के लिए हमें डायट्री इनटेक चाहिए बाकी फिफ्टी परसेंट जो है वो हमारे गैस्ट्रो इंटस्टाइनल बैक्टीरिया सिंथेसाइज करते हैं तो है, उस, है जो डायट्री विटामिन के हैं उसकी फॉर्म है फाइलोक्विनोन जो कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में होती है ग्रुसल स्प्राउट में होती है लेंटेस सोयाबीन बी फ्लेवर में होती है एंड इस एक्टिवली एब्जॉर्ब इन स्मॉल इंटेस्टाइन इसकी एक्टिव एब्जॉर्प्शन होती है जबकि वाइटामिन के जो हमारे जीआई फ्लोरा बनाता है वो फॉर्म है मीना क्विनॉन अब मीना क्विन पैसिवली एब्जॉर्ब हो रही है वो हमारे जीआई फ्लोरा ही बना रहा है और वहां से बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ये पैसिवली एब्जॉर्ब हो रही है जबकि जो वाइटामिन के हम फूड से ले रहे हैं वो एक्टिवली एब्जॉर्ब हो रही है एक्टिव एब्जॉर्प्शन के लिए हमें एनर्जी भी चाहिए एंड कैरियर भी चाहिए जबकि पैसिव एब्जॉर्प्शन बाय सिंपल डिफ्यूजन होती है इनकी एब्जॉर्प्शन में फर्क है

जो इन्फेंट्स है या न्यू बॉर्नस है उसमें भी इतना नहीं होता कि वो वाइटामिन के बना पाए और उनकी डाइट भी वाइटामिन के सफिशेंट नहीं होती इंसिडेंस ऑफ अर्ली वाइटामिन के वाइटामिन के डिफिशियंटी ब्लीडिंग्रॉम सिक्स टू ट्वेल्व The incidence of classical vitamin K uh, deficiency bleeding in is estimated to be इंसीडेंस ऑफ क्लासिकल वाइटामिन के डेफिशियन एस्टिटेड एंड लेट जो है सबसे ज्यादा जो है वो deficiency bleeding के एज में न्यू बॉर्न में बहुत फ्रीकुटली इंकाउंटर्ड होता है क्योंकि इंडोजीनियस और एक्सोजीनियस डेफिशिय होती हैं कोई जेंडर या कोई एथनिक रिडिल्शन नहीं है बाकी फैट मेल एब्जॉर्ब के साथ भी ये प्रेजेंट कर सकता है इन एनी एज ग्रुप न्यू नेट प्रोन होते हैं वाइटामिन के डेफिशिय के एंड वाइटामिन के डेफिशिय ब्लीडिंग सेकेंडरी टू पुअर ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसफर अगर ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसफर नहीं है जीआई फ्लोरा नहीं है और डाइट्री इनटेक भी नहीं है तो इट रिजल्ट इन वाइटामिन के डेफिशिय अर्ली वाइटामिन के डेफिशियसी ब्ली अगर इन इन फेंट टू मर्दर टेकिंग मेडिकेशन डेट इंटरफेयर विद वाइटामिन के मेटाबॉलिजम ये भी एक रीजन हो सकता है में. फिर क्लासिकल वाइटमिन के इज एसोसिएटेड विद डिलेड और इनसफिशिएंट फीडिंग क्लासिकल आवर टू वन वीक था वो डिलेड और इनसफिशिएंट फीडिंग के साथ एसोसिएटेड वीक्स तक था वो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग विदाउट वाइटमिन के प्रोफाइल एक्सिस और अंडरलाइंग फैट मेलेब्सॉप्शन डिजीज वाइटामिन के डिफिशियंटीज डाइट्रीन टेक मेलेब्सॉप्शन लिवर डिजीज वेरियस मेडिकेशन इंडिविजुअल इंक्लूडिंग अल्कोहलिक एनोरेक्सिक एल्डरली मे बी रिस्क फॉर वाइटामिन की ये सारी वही बातें हैं जो हर वाइटामिन की डेफिशिएंसी में वो प्रीडिस्पोज करती हैं अब इम्पेयर फैट एब्जॉर्शन जैसे कि सीलिक डिजीज बिलेरी डिजीज पेंक्रियाटिक डिजीज एल्फा वन एंटीट्रिप्सन डेफिशेंसी एनसिक फाइब्रोसिस सारा फैट को मेल एब्जॉर्ब करेगा तो फैट सोलबलिन सबकी डेफिशिएंसी होगी प्रोलॉन्ग एंटीबायोटिक थे वेराइटी ऑफ मेडिकेशन कैन इंटरफियर विद वाइटमिन के मेटाबॉलिजम इंक्लूडिंग वार्फरिन वार्फरिन क्या है वो तो वाइटामिन के एपोक्साइड प्रोडक्ट है वो तो इसी को आ, उसका एक्शन ही K, K के थ्रू है हाइड्रोसेट फेनिट Rifampin, तो ये दो एंटी टीबी ड्रग्स हो गई एंड कोलेस्टायराम कोलेस्टायराम बाइल एसिड सिक्विस्टर जब बायल करेगा तो फैट के मेलअपन करेगा फैट सॉलेबल वाइटामिन सारे इसमें कम होंगे अब इसमें इंपॉर्टेंट वार्फन भी आराम से याद हो जाएगा और कोलेस्टायरामीन भी बाकी याद करने हैं कि इसमें दो एंटी टीबी ड्रग्स हैं आइसोनियाजिड और डिमफेम्पिन और फैनी टाइम सेली सॉलिड और से इनहेरटेड वाइटमिन के डिपेंडेंट कोग्लेशन फैक्टर डेफिशियडरी टू म्यूटेशन इन गेमाग्लूटामाइल कार्पोक्सिले एंडेड तो इन्हेरिटेडेंट कोगलेशन फैक्टर डिफिशियंसीज भी हो सकती है हिस्ट्री में आपके पास ब्लीडिंग एनईजी बूसिंग के साथ प्रशंस uh, प्रेजेंट करेगा इसके अलावा हर जगह से ब्लीडिंग जिंजाइवल ब्लीडिंग एपस्टेसिस जी यू ब्लीडिंग जी आई ब्लीडिंग अब इसमें क्लिनिकल प्रेजेंटेशन डिफरेंट है अगर आपके पास विद इन ट्वेंटी फोर आवर्स बच्चा प्रेजेंट कर रहा है विद अर्ली वाइटामिन के डिपेंडेंट ब्लीडिंग वो सिवियर होगी वो इतनी सीवियर होगी कि पेशेंट जो है वो सिफेलिक ब्लीडिंग के साथ प्रेजेंट करेगा सिफेलो बनेगा जो कि इंट्राक्रेनियल है इंट्राथोरसिक और इंट्रा एबडोमल ब्लीडिंग होगी तो इट कैन बी फैटल और लीड टू न्यूरोलॉजिकल सिक्वली फिर क्लासिकल जो वाइटामिन के डिफिशंसी ब्लीडिंग है वो जनरली माइल्डर है एंड इट करेक्टराइज बाय्लाइकल जी आई क्यूटेनियस एंड नेजल म्यूकोसल ब्लीडिंग और जो लेट वाइटामिन के डिफिशियंसी ब्लीडिंग है वो वो भी सिवियर है तो एक लेट सिवियर है एक अर्ली सिवियर है जो बीच का क्लासिकल है वो माइल्ड है जो लेट है वो भी प्रेजेंट करता है इंट्राक्रेनियल हेमरेज के साथ अकरिंग इन मोस्ट पेशेंट ऑफन लीडिंग टू परसिस्टेंट न्यूरोलॉजिकल सिक्वली जहां पर भी इंट्राक्रेनियल हेमरेज है वो परसिस्टेंट न्यूरोलॉजिकल सिक्वली कॉज करेगा वाइटामिन के डेफिशिएंसी इन ओल्डर चाइल्ड एंड एडल्ट कैन प्रेजेंट विद परपरा इकाईमोसिस जीआई जीयू एंड रेट्रोपेरिटोनियल हेमरेज फिर क्लिनिकल वेरियंट इसके न्यूनेटल वाइटामिन के डेफिशिएंसी के तीन हैं अर्ली क्लासिकल एंड लेट डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आपने वो सारी डिजीज सोचनी है जिसमें ब्लीडिंग होती है जैसे आ, कोई एंटी कोगलेशन पेशेंट ले रहा है या लिवर डिजीज है हेमाटोलॉजिकल मेलिग्नेंसीज है इनहेरिटेड कोगलोपैथी है जिसमें हीमोफीलिया वॉन विलब्रन डिजीज या विस्कोट एल्ड्रिस्ट सिंड्रोम आ सकता है कॉम्प्लिकेशन एंड कोमॉर्ब्स में आपके पास लॉन्ग टर्म न्यूरोलॉजिकल डैमेज हो सकता है अगर अर्ली वाइटामिन के डेफिशिएंसी भी ब्लीडिंग है तो पेशेंट लॉन्ग टर्म न्यूरोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन तो में वाइटामिन के डेफिशियोलॉन्ग पीटी करता है और एपी टी टी करता है ड्यू टू कोगलेन फैक्टर फिर सीरम वाइटामिन के लेवल में भी मेजर वाइटमिन के लेवल को हम खुद भी मेजर कर सकते हैं प्रोटीन इंड्यूस्ड बाय विटामिन के एब्सेंस जो पिवका है इंक्लूडिंग डे गैमा कार्बोक्सी प्रोथ्रोम्बिन, कैन बी सेंसिटिव मार्कर ऑफ विटामिन के ये विटामिन के डेफिशिय का सेंसिटिव मार्कर है लेकिन इसकी बात यह है कि ये एलिवेटेड होता है कार्सिनोमा और लंग कैंसर के लिए तो जितनी भी स्टडीज है वो इसकी हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा अगर ये इंक्रीज हो तो हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा का रिस्क ज्यादा हो जाता है तो ये उसके लिए लेबोरेटरी यूज करती है एज कम्पेयर टू वाइटामिन के डेफिशिएंसी लेकिन ये याद रखना है जो रिकमेंडेड डेली इनटेक है वाइटामिन के की ये माइक्रोग्राम में है टू टू वन ट्वेंटी माइक्रोग्राम डिपेंडिंग ऑन एज एंड जेंडर न्यू नेट को हमेशा प्रोफाइलेक्सिस मिलनी चाहिए आई एम डोज ऑफ जीरो पॉइंट फाइव टू वन एम जी और वाइटामिन के बर्थ एंड ओरल क्योंकि इसकी न्यूरोलॉजिकल सिक्वली बहुत ज्यादा है तो वाइटामिन के की प्रोफाइलेक्सिस हर न्यू बॉर्न को मिलनी चाहिए ओरल वाइटामिन के एज एन अल्टरनेटिव इज बिंग एवेल्युएटेड ंग है तो उसमें आप इनको एफ एफ पीस देंगे बाकी अगर वार्फरिन टिटी की वजह से भी ब्लीडिंग हो रही है तो उसका ट्रीटमेंट वाइटमिन के बस इसके साथ ये लेक्चर में ख़त्म करेंगी